तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सूजी का उपमा बनाने। सूजी का उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप सूजी। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का ही सूजी यूज़ किया है। छोटा या बड़ा साइज़ का भी मार्केट में मिलता है, तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का ही यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच चना दाल, 2 चम्मच उड़द दाल लिया है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच तेल, आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जीरा लिया है 1/2 छोटी चम्मच, मूंगफली लिया है 2 चम्मच, नमक लिया है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 छोटी चम्मच, पानी लिया है 1.5 कप, राई लिया है 1/2 छोटी चम्मच। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पानी को गरम कर लेना है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसे गरम होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरे गैस पे उपमा बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। अब इस पैन में हम डाल देते हैं सूजी को। हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। हम इसे थोड़ा सा तेल डाल के रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच तेल डाल दिया है। मिला देना है इसे। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेते हैं, या फिर तब तक रोस्ट करें जब तक सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। सूजी को रोस्ट करने से उपमा का टेस्ट बढ़िया आ जाता है, तो इसलिए हम सूजी को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गैस बंद कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। मैंने यहाँ पे सेम पैन यूज़ कर लिया है, तो हम इसे थोड़ा सा क्लीन करके ले लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं तेल। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देते हैं मूंगफली। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक मूंगफली का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूंगफली का थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, तो मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एक बाउल में निकाल दिया है। तो आप चलते हैं उपमा बनाने के प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे सेम पैन यूज़ किया है, तो उसमें डाल देते हैं राई, उसी के साथ डाल देते हैं जीरा और उड़द दाल को, मिला लेते हैं इन सबको। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक उड़द दाल का कलर है थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। उड़द दाल डालने से उपमा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार उड़द दाल डाल के उपमा बना लीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं चना दाल, इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। उड़द दाल और चना दाल डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक को, उसी के साथ डाल देना है हरी मिर्च, मिला देना है इन सबको। हमें इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, मिला देना है इन सबको। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। हम इसे ज़्यादा नहीं पका लेते हैं, जो प्याज का कच्चापन है वो उपमा में बहुत टेस्टी लग जाता है, तो हम इसे ज़्यादा नहीं पका लेते हैं। हमें इस बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने तक ही पका लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी, उसी के साथ डाल देते हैं मूँगफली, मिला देना है इन सबको। अब हम इसमें डाल देते हैं रोस्ट किया हुआ सूजी, या फिर आप इसे रवा भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारा सूजी डाल दिया है, मिला देते हैं इन सबको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूजी मसाले में पूरा मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। मिला देना है इन सबको। हम इस मसाला रवा को हम इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका मन करे उपमा खाने का, तो बस पानी गरम कर लो और उसमें ये सूजी डाल दो, फटाफट सूजी का उपमा बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल दिया है, मिला देना है इसे अच्छे से।
हर सूजी की क्वालिटी अलग होती है, तो उपमा बनाने के लिए पानी कम या ज़्यादा लग सकता है। हमें यहाँ पे और थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप पानी डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया है। मिला देना है इन सबको। अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देते हैं। मैंने यहाँ पे इसे कवर कर दिया है। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने ढक्कन हटा दिया। उसके ऊपर डाल देते हैं धनिया पत्ता। मिला देना है इन सबको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सूजी का उपमा बनके तैयार है, और दिखने में भी कितना मस्त लग रहा है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व करें, या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सेव और धनिया पत्ता और उसी के साथ साइड में थोड़ा सा नींबू रख के भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।